अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मेरा नाम फैसल सलीम है। मैं स्कोप्स कॉलेज की जानिब से आपके लिए एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ पिछले ट्यूटोरियल की तरह ये ट्यूटोरियल भी आपको पसंद आएगा। चलें चलते हैं अपने न्यू ट्यूटोरियल की जानिब। अच्छा जी, आज हमने बनानी है जी आईडी, जीमेल की आईडी किस तरह बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उसको फेसबुक के ऊपर किस तरह लगाते हैं, फेसबुक की आईडी किस तरह बनाते हैं, ठीक है जी। उसके हमने मोज़िला फायरफॉक्स खोल लिया, इसके ऊपर मैं टाइप करता हूँ जी gmail.com, ठीक है। जीमेल लेके कंट्रोल प्रेस एंटर करेंगे, फिर भी gmail.com आ जाता है। .com के लिए कंट्रोल एंटर करते हैं तो फिर भी अगला वो उसका पाथ खुद ही उठा देता है। जीमेल लेके कंट्रोल एंटर करेंगे तो वो खुल जाएगी। अगर gmail.com लेके एंटर करेंगे फिर तो वो और वैसे ही खुल जाएगी। जीमेल मैंने लिखा कंट्रोल कीबोर्ड से प्लस एंटर, ठीक है। और जो अगली साइट का सोर्स होता है वो खुद ही उठा देता है। इस तरह का जब gmail.com हमने लिखना है तो इस तरह का आ जाएगा, ठीक है ना। उसका फ्रंट पेज, इसमें जी क्रिएट अकाउंट, अगर आपका पहले बना हुआ है तो आप साइन इन करेंगे, अगर आपका पहले नहीं बना तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट एक गूगल अकाउंट है हमारे पास, खुल गया, ठीक है ना। इधर फर्स्ट नेम लिखेंगे हम, ठीक है ना। इधर मैं लिखता हूँ जी जैसी, ठीक है। मैं लिखता हूँ जी जैसी। ये फेक अकाउंट इस तरह आप बना सकते हैं, अगर आपने अपने नाम से बनाना है तो इधर आपका नाम आ जाएगा। तरीक़ाकार बहुत ही सेम है, ठीक है ना। इधर जैसी सर्च लिख के आपने इसको एंटर करेंगे तो वो आपको बता देगा कि जी ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। इसके नीचे ये अवेलेबल है, ये ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है। इसको आप कर लीजिए, ये कर लेते हैं जैसी जैस 61@gmail.com। इधर पासवर्ड मैं लिखता हूँ जी, पासवर्ड मैं आपको नहीं बताऊँगा, पासवर्ड मैं अपने पास से लिख लेता हूँ, जो भी आपने लिखना है जी, ठीक है ना। इधर मैं लिखता हूँ जी ये मैंने पासवर्ड इसका लिख दिया जी। इसके बाद मैं मंथ सेलेक्ट करूँगा, इधर से डेट ऑफ बर्थ, इसको मैं करता हूँ जी जनवरी। अगर फेक अकाउंट बना रहे हैं तो मोस्टली इसका फिर इस तरीके से रखें कि आपको जो याद रहे, ठीक है। क्या हुआ, हाँ तो देख लेते हैं, फिर भी नहीं बनानी आती है तो दोबारा बना लेते हैं। जनवरी फेक अकाउंट बना रहे हैं तो आप इसको इस तरह रख रहे हैं, जनवरी 1995 रखने, जो भी रखना है कि ये मंथ आप सेम रख रहे हैं, हाँ। ये मोस्टली ज़्यादातर यही चलती है 98, हाँ। तो अगर आपने ओरिजिनल रखनी है तो ज़्यादातर अगर आप अपनी आईडी बना रहे फिर ओरिजिनल रखें, क्योंकि अगर आईडी आपकी ब्लॉक हो जाए तो कोई मसला बनता है तो आपको डेट ऑफ बर्थ भी पूछ सकता है, तो आप ओरिजिनल अपनी देंगे, आपको वो याद होगी। तो हाँ, एडिटिंग मांगते हैं, वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें, वो भी आप रख लेंगे। अगर आपकी आईडी को कोई इशू हुआ है तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर देंगे या अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपना बायोडाटा दे के जो आपने उसके ऊपर दिया हुआ है उसको रिक्वायर है, तो आप अपनी आईडी ओपन कर सकते हैं। इसको मैं 96 कर देता हूँ, कितनी बनती है 4, ठीक है, 19 साल बनती है ना, 4 वो तो 17 ही है, 21 बनती है, 21 तो बहुत ज़्यादा है यार, लड़की की उम्र इतनी नहीं होती, आगे 2 साल में 92 कर रहे हैं। इसका काम देखो ये 92 से और कम हो जा रही है, और ज़्यादा हो जानी है, हमने ऊपर को जाना है, हमने ऊपर को जाना है, इसको फीस में कर देते हैं। इधर नंबर देंगे हम, नंबर मैं दे देता हूँ जी, इसमें जो मेन चीज़ वो बताने लगा हूँ ना मैं, वो आगे जाके है कि मैंने नंबर दिए, इस नंबर पे पहले भी काफ़ी आईडी बनी हुई हैं, ठीक है ना। इस नंबर को अब हमने किस तरह यूज़ करें कि ये इसी नंबर के ऊपर ये आईडी भी बन जाए, इसको हम देखते हैं।
अल्टरनेट ईमेल आईडी आपने जो पहली आपकी पहले आपने बनाई है वो देनी है, तो दे लें। इधर से आपने आपको लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, इसको नेक्स्ट कर देना, ठीक है। इसको मैं रिमेंबर ही कर देता हूँ, ये आगे जी इसको आपने नीचे इस तरह कर देना, फिर करेंगे एग्री कर देना, ठीक है। जी उसने नंबर वेरिफिकेशन मांगी ही नहीं आपसे, अगर वेरिफिकेशन मांगता तो आपने नंबर आपका नंबर आना था, नीचे आ जाना था टेक्स्ट या वॉइस। टेक्स्ट पे करेंगे तो वो आपको कहेगा जी ऑलरेडी यूज, अगर वॉइस करेंगे तो वो ऑलरेडी यूज की ऑप्शन नहीं देगा, वो आपको डायरेक्ट आपके फ़ोन पे कॉल करेगा। आपने कॉल उठानी है, कंप्यूटर बोलेगा, ठीक है ना, जो भी वेलकम टू इस तरह बोल के, उसके बाद वो कहेगा जी ये आपका अकाउंट है, किसी को बताना ना, आप ना सिक्योरिटी कोड यूज़ करें और एंटर हो जाए। वो सिक्योरिटी कोड आपने इधर दो दफ़ा, बहुत ईजीली दो दफ़ा बोलती है, बहुत स्लो, तो बंदे को समय लगती है, बहुत अच्छे वर्ड में वो गिनती के वर्ड में बोलेगी कि आपको ये ना लगे कि यार वो समझ नहीं उसकी लग रही बोल एक ही करके बोलती है वो। इधर आपने खोल के इसको आपने लिख के जीमेल में एंटर हो जाना है, ये आगे इस तरह लोडिंग हो रही है। अरे एक जी मेल से मेरे ख्याल एक ही फेसबुक की आईडी बनती है। हाँ एक जी मेल पे एक ही फेसबुक की आईडी बनेगी, उसको आप जी मेल को ट्विटर पे यूज़ कर सकते हो, वाइबर पे और वो दूसरे के ऊपर और भी जितनी आईडी उसको यूज़ करते हैं, लेकिन फेसबुक के लिए हर किसी का भी आपने अकाउंट बनाना है वो एक ही बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनता, डिफरेंस नहीं बनती। नंबर्स एक के ऊपर एक ही आईडी चलती है, अगर दो नंबर्स पे दो आईडियाँ बनाएंगे आपको तो वो मसला करती हैं बाद में, मसला करेंगे ना अक्सर, हमने खोल ही कोई होती है खुल हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ है क्योंकि एक नंबर है दो आईडियाँ चल रही हैं यार ये। हाँ ये आपकी वेरिफिकेशन है, वो उसके ऊपर चलेगी, वो डेंटिटी मंगने लगा कि जो मैं वो जाके खोली उन्हें कोड देता छः हिस्से वो मैं लाया वो फिर जी असल बनी थी वो खोली। ये बन गया जी, इसको अब हम जाते हैं जी फेसबुक की आईडी साथ ही किस तरह बनानी है, इसका फेसबुक डॉट कॉम लिखते हैं, इसी के ऊपर हमने फेसबुक की आईडी बनानी है, ठीक है। ये तो देख लेते हैं इसको, ये पहले खुली हुई है फर्स्ट नेम लिखता हूँ जी जैसी, ये नाम से कंट्रोल करके कंट्रोल सी कर देता, कंट्रोल वी कर देता, इन पासवर्ड फेसबुक का पासवर्ड होना ही है, डेट ऑफ बर्थ वही रखते जो रखी थी, इसको कितनी रखी थी, इसको फीमेल कर दी कर दे, रिमेंबर कर दी, ये आ गया जी, इसको हम ये स्टेप आ गया जी, इसमें वो कह रहा जी इसको फाइंड फ्रेंड कर सकते हैं आप, इसको हम फाइंड फ्रेंड तो नहीं, हम इसको नेक्स्ट कर देंगे, स्किप स्टेप करेंगे, जैसे कंफर्म भी करनी है वो, इसको मैं ये मुझे कह रहा है जी कंफर्म करो, इसको मैं चले जाता हूँ गूगल में जीमेल में,
इसको मैं कंफर्म अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा, इसको मैं जैसे बंद कर दूंगा अकाउंट मेरा एक्टिवेट कर देगा जैसे। अकाउंट मेरा एक्टिव हो गया जी, ये अकाउंट कंफर्म मैसेज भी आ गया आपका, नोटिफिकेशन भी आ गया इसमें। नहीं वो नोटिफिकेशन में वो चैट उन्होंने वैसे खोल दी, तो ये आ गया जी। इसकी अब हम सेटिंग भी कर सकते हैं, सारी पिक्चर लगानी है जैसे जैसे मैं के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये मेरा प्रोफाइल खुल गई। इसके अब बहुत में तो हम इसका देख सकते हैं ना सारा कुछ। इतने में पहले इसकी पिक्चर लगाता हूँ, इसकी पिक्चर खाने के लिए हम गूगल पर चले जाते हैं। इधर मैं लिखता हूँ जी इंडियन नहीं लिख रही हमने, हमने इसमें से आप कोई भी पिक्चर उठा सकते हैं, ये वाली लगा दी। इसको व्यू इमेज पर भी कर लो, ये भी इसकी है। नहीं हो रहा करके या हम अगर हमने एक ही पिक्चर आपको सेम पिक्चर चाहिए तो हम इधर भी सिलेक्ट सर्च कर सकते हैं। मैं इधर लिखता हूँ जी जैसी, जैस ये जैसी का ये मैं निकाल लेता हूँ। असल में कोई भी आप काम करते हैं ना तो इस तरह की वीडियो आइडियो आपके सामने आती रहती है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपना वर्किंग करते हो कि इन चीज़ों को देखते हो। आप इस पे ना जाओ, हमें एक सोर्स मिल जाता है, उस सोर्स से आगे हम आगे दूसरे सोर्स पे चले जाते हैं, ठीक है। ये देखो ये अक्सर इंग्लिश आईडी बनाने की का मतलब ये होता है कि आपने जो इंग्लिश गर्ल्स होती ना वो अपनी पिक्चर्स बहुत अपलोड करती हैं, उधर से हम उसकी अपनी पिक्चर्स उसकी उठा सकते हैं हम। इसकी ये देखो देखो फोटो दे। और इसकी इनकी फ़ोटो पे रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगी होती, सामने ही पड़ी होती है। इधर से हम उठा लेंगे इसकी पिक्चरें वगैरह जो अपनी आईडी पे यूज़ कर रही हैं, तो जब ये देखेगी कि मेरी आईडी दूसरी भी बनी है ये हैरान रह जाएगी। इधर से मैं इसकी दो तीन पिक्चर उठा लेता हूँ, तो मैं ऐड कर बल्कि नहीं करना था कर दो। नहीं इसकी बहुत कैंसिल रिक्वेस्ट कर देते हैं इसको, क्योंकि उसकी हम पिक्चरें यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम किस तरह लगाएंगे। खैर चलो इसकी नहीं हम यूज़ करते, हम यही ले लेते हैं, हम ये पिक्चर यूज कर रहे हैं। इधर आके मैं इसको स्किप कर दूंगा, अपलोड करता हूँ। अपलोड फोटो पे आके डेस्कटॉप पे हूँ, किधर इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, क्रॉप करनी है तो करते हैं, नहीं तो इस तरह इसको इसको सेव कर। ये पिक्चर है आज भी सक्सेसफुली सेव, इसको आप इधर भी लगा सकते हैं, ये भी ओके कर देते हैं।
आईडी आपने फेक भी बनानी है, लेकिन उसको अच्छा चलाने के लिए उसकी जो अबाउट वो अच्छा होना चाहिए, उसकी पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, उसका जो पिक्चर कवर है वो अच्छा होना चाहिए, फिर आपकी फेक आईडी भी इस तरह की लगे कि वो ओरिजिनल है। उसके ऊपर आप अपडेट करो रोज़ की रोज़, लेकिन थोड़ी बहुत एक पिक्चर दो पिक्चर कर दी, कोई और चीज़ें कर दो, वो अपडेट उसकी कर दो, ठीक है। तो फिर आपकी जो पिक्चरें चलती रहती हैं, आपकी आईडी चलती रहती है। तो ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजो, सॉफ्टवेयर से ना यूज़ करो, एक ही दफ़ा ऐड करने के लिए उसको आस्ता आस्ता उसको ऐड करोगे तो वो आपकी सही रहेगी। हाँ हाँ फार्म के तो हैं यार, लेकिन वो यार वो मसला नहीं होता, एक दिन में भी आप कर सकते हैं। इसका भी तरीकाकार है, जनमत तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने एक ही दिन में 5000 रिक्वेस्टें रिसीव करनी है। जो आपका रिक्वेस्ट आई होगी उस रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कर लोगे, उसका कोई मसला नहीं है। इसको आप जब ज़्यादा रिक्वेस्टें भेजोगे फिर ब्लॉक होती जाएगा। ज़्यादा रिक्वेस्टें हासिल करने के लिए उसका तरीकाकार होता है कि आप ग्रुप्स ज्वाइन करो, अच्छे ग्रुप्स, 1,00,000-1.5 लाख, इससे ऊपर जिनके मेंबर्स हैं, अच्छे ग्रुप्स हैं, 50,000 वाले, 1,00,000 वाले, 2,00,000 वाले, 5,000,00,000 वाले, इस तरह के ग्रुप्स भी मिल जाते हैं। उनमें जाके पोस्ट करो आई एम न्यू हेयर, या ऐड मी प्लीज़, या आई एम सर्चिंग फ्रॉम माई फ्रेंड्स ऐड मी, आई एम सैड, इस तरह के कुछ रोज़ एक दो उसमें। जब आप उसमें ऐड करोगे, आप 1,00,000 बंदा है, 1,00,000 बंदे को आपकी रिक्वेस्ट पोस्ट गई है, 1,00,000 बंदों में से 5,000 तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक दिन में आपको रिक्वेस्टें आ जाएंगी, 5,000 से ऊपर हो जाएंगी एक ही दिन, चंद घंटों में। वो आपने वो थक जाना है उसको रिसीव करते करते, एक्सेप्ट करते करते, आपकी आईडी नहीं ब्लॉक होगी, ठीक है। तो अगर आपने ऐड आपने कोई ग्रुप बनाया है, कोई पेज बनाया है, उसके ऊपर आस्ता आस्ता ऐड करो, रोज़ ग्रुप के ऊपर पेज सेंड करो, पोस्ट करो। हाँ ये भी ज़्यादा है, लिमिट 500 की तो लिमिट है फेसबुक की। तो लेकिन ये हमारी अपडेट हो गई। अब हम इसमें कर देंगे थोड़ा सा इसका अबाउट, आज लिख देंगे थोड़ा सा अबाउट, नहीं लेता हूँ एड वर्क। कोई भी चीज़ है ना, आपने उसको ना लिखने के बाद उसको हिडन कर दें, ये सबसे अच्छा है। इस तरह ना छोड़ें, इस तरह जब छोड़ेंगे ना, जब कोई कस्टमर देखता है ना, यूज़र या कोई बंदा देखता है, कस्टमर कह रहा हूँ कोई बंदा आपकी आई डी को देखता है आगे, तो वो उसको ये ना लगेगा यार इसने फेक ही है, कुछ भी नहीं लिखा, उसको छोड़ा हुआ है। लिखने के बाद उसको आप हिडन कर देंगे ना, तो वो समझने का कि इसने प्राइवेसी लगाई हुई है, ठीक है, लिखी हुई है चीज़ें, प्राइवेसी लिखी है। ये लिखिए, इसको आप फ्रेंड्स की जगह इसको आप ओनली मी कर दें, इसमें आप कुछ भी लिख दें। ये लिख देता मैं मिसाल के तौर पर, ये लिखा है, इसको मैं सेव करता हूँ। ये कह रहा है शेयर करना है, इसको मैंने कहा नो जी, और प्रोफेशनल स्किल्स जी ओनली मी सेव एस, ठीक है। एयर यूनिवर्सिटी हाई स्कूल जो भी हमें लिखना है, इसको ओनली मी सेव एज़।
आगे सी फोटो हिटन फ्रॉम बाइनम आगे आप आ जाएंगे ਕਰੰਟ ਸਿਟੀ ਹਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੰਡਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਇਨਬੋਕਸ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸਕੋ ਪਬਲਿਕ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਲੰਡਨ ਕਿੰਗਡਮ ਸਾਡੀ ਕਰੰਟ ਸਿਟੀ ਐਡ ਪੇਜ ਇਸਕੋ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इनफो एड मोबाइल नंबर लिख सकते हैं आप सर वन ईमेल एड्रेस हिडन फ्रॉम बैंक हाँ जी ये इसको ओनली मेल करना क्योंकि जो किसी ने आके तो मैसेज करना ना मैसेज रिक्वेस्ट फैमिली एंड रिलेशनशिप इसको फैमिली एंड रिलेशनशिप पे भी आप इसको कर सकते हैं स्टेटस अपलोड ठीक है ऐड योर फैमिली स्टेटस ऐड ए फैमिली मेंबर ठीक है डिटेल्स अबाउट यू राइट सामान रेडियो सर ये भी लिख सकते हैं ये सारे भी लिख सकते हैं लाइव इवेंट्स भी लिख सकते हैं ठीक है अब ये मैं इधर आके लिखता हूँ जी प्रियंका चोपड़ा कोई हालात नहीं है आपके थक भी गए इस तरह शो नहीं करता ना नाम ही शो करता खैर इसको हम अपना इधर से मैं इसको अपनी दूसरी ऐप भी सर्च कर देता इधर फ्रेंड्स का ऑप्शन ही नहीं आ रहा बट हर पब्लिक पोस्ट नहीं है न्यूज़ की डो यू नो फरियाल अच्छा जी ये फ्रेंड्स क्यों नहीं आ रहे इसके फरियाल प्राइवेसी नहीं रहता फुल हो गई है कितने फ्रेंड है तो ये आ क्यों नहीं रहा 90 रिक्वेस्ट है फिर पता ही आपको अपनी वहाँ मैसेंजर बंद किया हुआ है ये क्यों नहीं आ रहा अब इसमें एम स्टूडेंट तो ये इस तरह ये आईडिया अपनी बनानी है ये है जी आप इसको होम इसका देख सकते हैं बाकी सेटिंग भी आप उधर से ही सारा उसको प्रोफाइल में जाके कर सकते हैं इधर से आप इसको पोस्ट वगैरह इसकी कर सकते हैं जो भी करना है आपको ठीक है बाकी इसका व्यू आ गया इसकी आपने अब इसके फ्रेंड से रिक्वेस्ट आप चाह रहे हैं हमें ज़्यादा हैं उसका तरीका मैंने पहले भी बताया आपको कि उसमें जाके अच्छे ग्रुप्स इधर रहते हैं ग्रुप तो अलावा इसका दूसरा तरीका जिसमें एक ओवर ही आ जाती है वो ही बताने लगे ये देखो ना मैं इधर आके लिखता हूँ जी वंस अगेन
इसको मैं बस इंटर कर देता हूँ वंस अगेन लिख के। ये देखो इसके मेंबर है जी 775,370। इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ज्वाइन करने के बाद मैं वेट करूँगा कि मुझे ये एक्सेप्ट करें। अब मोस्टली बैठे होते हैं ठीक है एडमिन ऑनलाइन, वो मुझे अप्रूव करेगा, मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ वो मोस्टली लगी होती है। इसको मैं अगर देख लेता हूँ जा करके ओपन करके इसको, इसमें जाकर मैंने कोई लिंक नहीं लगाना है, सिंपल मैंने वैसे लिख देना है एडमिन आई एम न्यू हियर या आई एम सर्चिंग फ्रॉम माई फ्रेंड्स। ये देखो इतनी नहीं आ रही ऑप्शन, ये सारे एडमिन हैं। जब मुझे वो अप्रूव करेगा तो इधर वो सारा सामने आ जाएगा मेरा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ठीक है। ये मेंबर्स ये तीन एडमिन हैं इसके ठीक है। तो इधर वो मुझे जब एक्सेप्ट करेगा मैं मेंबर बन जाऊँगा। ये पेंडिंग पे है, इधर आकर मैं इसको पोस्ट कर दूँगा सिर्फ आई एम सर्चिंग माई फ्रेंड्स फॉर माई फ्रेंड्स। वो नीचे लाइन लग जाएगी आप जैसे होगी यस आई एम हियर व्हाट इज योर प्रॉब्लम ये इसका जी फेसबुक की आईडी है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ये कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, कोई ग्रुप यूज करेंगे, ग्रुप्स ऑल इनवाइट करेंगे, एक्सटेंशन यूज करेंगे, तो आपकी फेसबुक वाले आईडी बंद कर दें। जनरल तरीके से आप इसको करें फिर आई डी बंद नहीं होगी। इसको करके आप जो भी आपने इसमें करना है।